तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म से रिलेटेड हमने लास्ट क्लासेस आपको दिया था, जिसमें हमने बताया था कि यूजर फॉर्म को कैसे डिजाइन किया जाता है, डिजाइन में कौन कौन से कीवर्ड्स, कैसे फॉर्मेटिंग और सारी चीज किया जाए, ये हमने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। उसका लिंक भी मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, क्योंकि विश्वराज जी ने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे यूट्यूब पे डालना पड़ा। और आज की क्लास यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट हो रही है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूजर फॉर्म के अंदर, यूजर फॉर्म से डेटा सीट पे भेजना और सीट से डेटा वापस यूजर फॉर्म पे लाना। एक छोटा सा हम फॉर्म डिजाइन करेंगे आज, और उस फॉर्म में हम डेटा को लोड करेंगे और सेंड करेंगे। विश्वराज जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर हाँ जी, विश्वराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है अब? हाँ तो नहीं भाई, स्लो आ रही है सर, वो नेट काफी ना काफी स्लो है, पता नहीं कुछ दिक्कत हुई है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं एक डेटा बनाता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, डेट, टाइम, और यहाँ पे नेम, सिटी, अमाउंट, और इसी चीज का मैं इस पे डेवलपर टैब में, मैं विजुअल बेसिक पे जाता हूं। आप लोगों को मैंने फॉर्म डिजाइन करने के लिए भेजा था, पर आप लोगों ने भेजा नहीं, इसलिए मैं अपना खुद का फॉर्म डिजाइन करके आपको बता रहा हूं। तो एक छोटा सा हम फॉर्म लेते हैं, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम फॉर्म की अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो कैप्शन है यूजर फॉर्म, इसको हम यहां से चेंज कर देते हैं और यहां लिख देते हैं डेटा एंट्री शीट। और हम जैसे ही बताया था कि हम लेवल के थ्रू फॉर्म के ऊपर हेडिंग को लिखते हैं, तो हम एक लेवल ड्रॉ करते हैं और इसमें हम लिखते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, और इसकी साइज काफी छोटा है, तो इसके लिए हम यहां आते हैं, कहां गए, इसकी फॉन्ट, फॉन्ट में हम बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया और साइज को हमने 16 कर दिया। इसको छोटा कर दीजिए या डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिट हो जाता है, जगह पे एडजस्ट हो गया। अब जैसे कि सीरियल नंबर है, डेट है और टाइम है, खुद ब खुद जनरेट होना चाहिए। तो मैंने यहां पे लेवल दिया और हमने यहां भी लेवल दिया, नहीं डेट और टाइम के लिए लेवल डेट डालते हैं, टाइम नहीं, टाइम ऑटोमेटिक होगा क्योंकि फॉर्म टाइप करते तो उसमें टाइम दिक्कत हो सकता है, तो टाइम अलग हो, लेकिन हमने डेट का डाल देता हूं। दो चीज लेवल थ्री, इसको कुछ चेंज नहीं करते क्योंकि ये कोड के जरिए चेंज होगा, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब एडजस्ट सही से नहीं हो रहा है तो मैं इसको अलाइन टॉप कर देता हूं। अब दोनों एक सीज में आ गए। उसके बाद मैं यहां पे दूंगा नेम, नेम यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं किसका, नेम का, नेम, सॉरी डबल क्लिक हो गया, और फिर मैं यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं जो कि नेम एंट्री करेगा। सेम नेम के बाद मैं सिटी के लिए यहां डालता हूं, सिटी, और फिर मैं यहां सिटी का डिजाइन करता हूं।
और उसके बाद अमाउंट ऑल्सो, तो यहां अमाउंट के लिए और फिर मैं अमाउंट का यहां डाल दूं। उसके बाद दो बटन चाहिए, पहला बटन चाहिए सबमिट का, सबमिट या सेव जो आप इसमें लिखा चाहिए, या ओके, हमने ओके कर दिया। और एक बटन चाहिए रीसेट का या क्लियर का, रीसेट। अब इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहां अलाइन इन फॉर्मेट में अलाइन करते हैं टॉप, ताकि एक सीट में आ जाए। ओके, फिर इन दोनों को, तीनों को सिलेक्ट करता हूं और फॉर्मेट में जाता हूं, अलाइन टू लेफ्ट और मेक ए सेम साइज, मेक ए सेम साइज। देखिए इसमें हाइट करना है, विड्थ को नहीं करना है। और सेम इन तीनों को भी हम अलाइन लेफ्ट कर देते हैं, सही है? ओके, तो ये मेरा फॉर्म बनके तैयार हो गया। मतलब जब ये प्ले होगा तो फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहला जो लेवल टू है, लेवल थ्री है, तो लेवल टू के जगह पे मुझे सीरियल नंबर चाहिए और लेवल थ्री के जगह पे डेट चाहिए। लेकिन कब चाहिए? जब मेरा फॉर्म ओपन हो, मतलब कि इनिशियलाइज हो। यहाँ पे इवेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा काम किस इवेंट में कराना। तो फॉर्म को इनिशियलाइज होने में चाहिए, तो मैंने डबल क्लिक किया फॉर्म को, फॉर्म डॉट क्लिक को छोड़ के मैं यहां पे फॉर्म को इनिशियलाइज पे क्लिक किया। इसमें ओपन भी है, नहीं ओपन नहीं होता इसमें, माफ कीजिएगा, इसमें इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज ओपन वर्कबुक में होता था। और यहां पे मैंने दिया डिम आईडी एज ए लॉग और यहां पे दिया आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक फंक्शन डॉट मैक्स। ये फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं, ये आपको आइडिया होगा जो हमने सीट फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, शीट्स, शीट वन डॉट रेंज ए बाय ए, और फिर हम देते हैं, देखिए यहां पे इस तरह से लिखना होता है कि यूजर फॉर्म वन डॉट लेवल वन, लेवल वन नहीं हुआ है, लेवल टू होगा, लेवल टू, फॉर्म वन डॉट लेवल टू डॉट कैप्शन, वैल्यू नहीं होगा, कैप्शन होगा, इक्वल टू यहां पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, इसके साथ हम करते हैं आईडी प्लस वन। अब यहां पे इस तरह से हुआ, अब एक बार चेक कर लीजिए कि लेवल टू ही है, लेवल टू है, यहां पे लेवल थ्री है। इसी का होगा जब फॉर्म इनिशियलाइज होगा तो देखिए सीरियल नंबर वन आपको दिखता है। ऐसे हम लेवल थ्री के लिए डेट कर देते हैं। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि हम यूजर फॉर्म वन ही लिखें, हम यहां पे लिख सकते हैं कि मी डॉट लेवल थ्री डॉट ऑप्शन। अब मी क्यों दिया हमने, जैसे आप वर्कबुक के लिए एक्टिव वर्कबुक का इस्तेमाल करते थे, जैसे आपने सीट के लिए सीट्स का इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके से यहां पे आप लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्शन इक्वल टू, हमने यहां पे डेट का टैग लगाया और यहां पे किया, एंड सिस्टम का डेट तो पता ही आपको, ओके, डेट से सिस्टम का डेट आएगा। तो जैसे इन स्लाइड होगा यहां पे सीरियल नंबर, यहां पे डेट ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो विश्वराज जी एंड रजनीकांत जी, एनी डाउट इसमें? नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या करना है कि जब मैं ओके पे क्लिक करूं तो यहां नेम, सिटी और अमाउंट की डेटा को
सीट के अंदर एक को सेव कर दिया जाए, राइट। एक कब होना चाहिए? ओके पे। तो हम ओके पे जाके डबल क्लिक करते हैं और यहां पे हुआ कमांड बटन वन डॉट क्लिक। अब यहां पे कोडिंग करेंगे, चलिए। सॉरी, तो यहां पे हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शीट। जैसे हमने इस डेटा सीट फॉर्म में किया था याद होगा, सेम मेथड यहां पे अपनाया जाएगा। रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सल ऑप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब यहां पे क्या होना चाहिए इक्वल टू, क्योंकि इसमें अगर हम रेंज को लेते हैं दिक्कत होगा ना, क्योंकि आईडी तो सर ठीक है लेकिन क्या होता है इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर 1, 2 इस तरह से आ जाएगा। और फिर मुझे इसको कॉल करने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे हाँ इसको वापस हमें कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, आईडी प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे आईडी हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे आईडी प्लस वन। अब देखिए मान लीजिए कि मुझे अगर इसको एक दो जगह में भी इस्तेमाल करना हुआ, तो हम लोग ये तो चलो भी दो जगह के बाद छोटा सा कोड है, लेकिन ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के आपको इसकी यूज हो सकता है। मैं यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे एस आई डी कर देता हूँ एस आई डी, और यहाँ पे राइट टोटल क्लोज, ठीक है। और हम इसको यहां कॉल कर लेते हैं कट करके, ठीक है। और फिर मुझे यहां इसको अप्लाई नहीं करना है, मैं यहां जस्ट लिखूंगा एस आई डी ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, एस आई डी ब्रैकेट ओपन क्लोज। और फिर हम यहां भी यही करेंगे एस आई डी, एक तरह से फॉर्मूला बना दिया हर जगह यूज हो सकता है, तो बेनिफिट है क्या सर। अब यहां पे हम सेम करते हैं कि यहां जीरो हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा हमारा वन, और एस आई डी नहीं, यहां पे डेट का फंक्शन होगा, डेट और प्लस वन नहीं होगा। फिर हमें टाइम चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम में टाइम के लिए कोई फॉर्मेट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट नाउ जो है वो डेट एंड टाइम दोनों को देता है, बट मुझे यहां से टाइम चाहिए, तो वी यूज द फॉर्मेट। इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, HH/MM/SS, राइट। ये हो गया हमारा, और अब बाकी आती है नेम। अब यहां पे नेम देना है, तो मैं यहां लिखूंगा मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू, और इसको आपस हम यहां प्लेस करते हैं, यहां टू के जगह पे थ्री हो जाएगा और यहां पे टू हो जाएगा, यहां पे फोर हो जाएगा और यहां पे फाइव और यहां पे थ्री हो जाएगा। तो डेटा ट्रांसफर हो गया। डेटा ट्रांसफर होने के साथ एक मैसेज देना चाहिए कि एमएसजी बॉक्स में हमने बोला डेटा सेव, ये हो गया। उसके बाद मी डॉट टेक्स्ट
textbox 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नथिंग के लिए हमने ब्लैंक दे दिया और सेम यहां 2 के लिए और सेम यहां 3 के लिए। अब एक बार हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। यहां गया सेल नंबर 1, यहां गया नेम में मान लीजिए मैंने पूजा दिया, सिटी में मैंने दिल्ली दिया और अमाउंट में हमने कुछ दे दिया एंड ओके किया। ओके सब्सक्राइबर आउट ऑफ रेंज, अच्छा माफ कीजिएगा यहाँ पे डेटा नहीं शीट 1 हो, ये गलती हो गई हमसे। आप लोगों ने भी नहीं बताया, ध्यान रखिए शीट का नाम आपने से डाटा रखा है नहीं रखा अभी, अगर शीट का नाम डेटा रखा होता तो यहाँ पे शीट 1 नहीं रखता ना सर, रख सकते थे, ऐसा होता है क्योंकि ये मैं बराबर जब भी पढ़ाता हूँ तो डेटा ही रखता हूँ, लेकिन आज मैं डेटा नहीं रखा इसके पीछे कंफ्यूजन हो गए। एंड ओके कीजिए। अब जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 ही रहा, मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर चेंज हो अपडेट हो, समझ गए क्या सर, क्योंकि ये डेटा एंट्री हो चुकी है, अब यहाँ पे दोबारा सीरियल नंबर जब होगा तो देखिए आप सीरियल ठीक है, छोटी सी गलती हो गई लग रहा है, डेट नहीं हम ना होगा टू होना चाहिए ना, ओ ये 1,0 क्यों है सर, ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे एस आई डी इक्वल टू एप्लीकेशन हमने कर दिया, हमें यहाँ पे गलती थी इसका जैसा हो, अब सर अब 2 आ गया। आप बोलिए क्या बोले थे, कौन 1,0 है सर, ये जो पहली लाइन में 1,0 क्यों है सर, हाँ क्योंकि जब जैसे जाएगा यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे 2 डाल दिया इसलिए, इसलिए 0 है, अगली बार में वो आगे बढ़ेगा। ठीक ठीक सर, ठीक तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम अगर यूजर फॉर्म को रन किया, अभी तक परफेक्टली चल रहा है, यूजर फॉर्म रन किया सीरियल नंबर 2 आ गया, अब मैं यहाँ पे ओम डाला और यहाँ पे सिटी मान लीजिए मैं दिल्ली डालता हूँ और अमाउंट डाल देता हूँ जो भी डालना है, और हम ओके पे क्लिक करते हैं, मैसेज आया डेटा सेव, ओके कीजिए, यहाँ पे देखिए आपका डेटा आ गया, ये फॉर्म ब्लैंक हो गया, लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर 3 हो जाना चाहिए ना क्या, तो उस केस में हम ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ये जो कोड है इसको मुझे यहां भी देना होगा, ठीक है। अब यहां पे बात आती है जो हमारा रीसेंट का मतलब है, जैसे हम फॉर्म टाइप कर रहे हैं और हमसे गलती हो गया दोबारा से एंट्री करना है तो हम रीसेट पे क्लिक करें तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रीसेट के ऊपर भी ये जो टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है ना मुझे लिखना हो, ये चीज लिख रहा है, तो अब इसके लिए भी आप, ये तो छोटा है लेकिन जब भी रिपीटेशन वाला वर्ड हो तो आप फंक्शन बना लें सही रहेगा, फंक्शन cl ब्रैकेट ओपन क्लोज और हमने यहाँ भी इसको डाल दिया। अब यहाँ पे मैं जस्ट जो है कोई भी एक वेरिएबल लूंगा, कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे d इक्वल टू cl ब्रैकेट ओपन, क्योंकि फॉर्मूला को डायरेक्ट रन नहीं किया जा सकता, और यहां भी हम d इक्वल टू cl ब्रैकेट ओपन क्लोज,
या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। थ्री, यहां मैं डालता हूं ओम, सिटी में मान लीजिए डाल दिया उदयपुर, और अमाउंट में हमने डाल दिया, हमने ओके किया, डेटा हमारा सेव हो गया, सेल नंबर फोर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हमने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे तो रीसेट किया तो रीसेट हो गया, ठीक है सर। ओके, और ओके जब हम क्लिक करते हैं तो ये सबमिट बटन ये अपने आप ही, इसका हमने कोड नहीं लिखा और क्लियर कंटेंट हो जाता है, पहले तो हम क्लियर कंटेंट करते हैं। हमने हमने देखिए आप हमने डबल हमने आपने सही लग रहा है, ध्यान से आपने नहीं देखा है। हां जी देखिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने ओके पे डबल क्लिक किया और सारे कोड हमने यहां लिखा हुआ है डेटा को भेजने का। यहाँ पे इवेंट मैंने रखता है, इवेंट क्या है, कमांड मटर वन, अब कब रन होना चाहिए तो क्लिक पे। अच्छा अच्छा, ऐसे यहाँ देखिए यूजर फॉर्म कम वर्ड होना चाहिए तो स्लाइड पे। ओके ओके, यहाँ पे इवेंट को अच्छे से समझना होगा। इससे पहले जो मैंने इवेंट की क्लासेस दी थी जिसमें आपने वर्कबुक ओपन करने पे, डबल क्लिक करने पे, सीट के नेम करने पे, सब पे आपने किया था ना, तो यहाँ भी आपको डिसाइड करना होगा कि आपका कौन सा कोड किस बटन, किस फॉर्म के किस बटन या किस ऑब्जेक्ट के किस एक्शन पे परफॉर्म करेगा। अच्छा अच्छा, समझ गए। जैसे यहाँ पे देखिए कमांड बटन टू मतलब कि क्लियर, क्लियर का बटन था तो क्लियर के बटन पे हमने क्लियर का फॉर्मूला डाला। अब क्लियर का फॉर्मूला क्यों डाला, क्योंकि क्लियर को दो तीन जगह पे लिखना था मुझे, इसकी कोड अभी चलिए तो तीन लाइन का कोड था, हो सकता है फ्यूचर में आपके पास 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन कोड हो तो 50 लाइन दो जगह पे लिखेंगे तो आपकी फाइल हैंग होने के चांसेस है ना। तो हमने उस सारे कोड को एक फंक्शन में डाल दिया, उस फंक्शन को आपने कॉल किया दोनों जगह पे। इससे क्या हुआ कि हमें दोनों जगह पे बस एक एक लाइन लिखना पड़ा, समझ गए। उसी तरह से हमने आईडी के फॉर्मूले को भी फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या है कि यहां हमने डी को लिया क्योंकि वीवीए के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शंस विदाउट वेरिएबल्स का या विदाउट किसी ऑब्जेक्ट का रन नहीं होता है। जैसे यहां देखिए ऑब्जेक्ट है ना, कैप्शन है, क्या तो रन हुआ यहां एसआईडी, बट यहां पे कुछ ऐसा तो नहीं है तो मैंने कर दिया सीएल, ठीक है, सीएल के साथ डी ले लिया एक वेरिएबल। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्टली कोड जहां जहां हमने सीएल का कोड ही डाल दो, लेकिन ये छोटे मोटे फॉर्म इसमें तो काम करेगा, जब बड़े बड़े फॉर्म डिजाइन करोगे तो वहां पे आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा है, समझ गया सर। यहाँ पर जो हम लोगों ने फंक्शन सीट लिया है, यहाँ पे सर हमने जो मैक्स वाला जो फॉर्मूला बनाया है शीट का मैक्स रेंज A1, इसको सीट में डाल दिया है SID सीट में। हाँ, CID सर, इसमें इसको सीट में क्यों डाला है, हम इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते थे सीट ओपन डोर ब्रैकेट क्लोज करके, डायरेक्टली तो कॉल किया यहाँ पे। तो सर ये सीड इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक क्यों लिखा है सर, पूरा फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, भूल गया। फॉर्मूला का तीन पार्ट था ना, क्या पार्ट था तीन का, ये तो डिक्लेरेशन, कैलकुलेशन और असाइनमेंट। डिक्लेरेशन डिक्लेट करना, कैलकुलेशन फॉर्मूला को कैलकुलेट करना, फॉर्मूले को रिजल्ट असाइन करना। तो रिजल्ट असाइन करने के लिए जो फॉर्मूला का है उसी पे जाता है, समझ गया ना। तो अब कोई वेरिएबल लेता, जैसे कि मैं ले लिया आईडी लेता, फिर मैं करता SID इक्वल टू आईडी, एक लाइन बढ़ता क्या, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे SID याद आ गया। और कोई डाउट है? नो सर। अब
बात आती है कि यूजर फॉर्म को हम कॉल कैसे करें, क्योंकि अभी यूजर फॉर्म को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको विजुअल बेसिक में जाके यूजर फॉर्म को क्लिक करके फिर यहां से रन करना पड़ रहा है, समझ गए। दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि ये सीट जो हमारा है सीट वन ये हाइड रहे, ये ना दिखे, मैं किसी और सीट से करना चाहूंगा। पहला चीज तो उसके लिए दो चीजें हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इंसर्ट करें मॉड्यूल्स, यहां देखिए एक मॉड्यूल्स को इंसर्ट करें और एक फॉर्मूला बनाए, एक सब्जेक्ट बनाए कि सब्ज ओपन यूजर फॉर्म ओयू के नाम से, और यहां पे लिख दें यूजर फॉर्म का नेम है यूजर फॉर्म वन डॉट शो, ठीक है। तो अब जो है आप माइक्रो से रन कर सकते हैं तो आपका यूजर फॉर्म आ जाएगा, समझ गए। या फिर आप जो है कोई बटन, जैसे कि आपने कोई कमांड बटन ही ले रखा है तो आप यहां पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फॉर्म कंट्रोल लिया इसलिए मुझे असाइन करना पड़ेगा, हमने इसको असाइन किया, ठीक है। अगर आपने मैक्रो नहीं बनाना चाहते, मॉड्यूल्स ऐड करके मैक्रो नहीं बनाना चाहते आप, तो आप एक्टिविस्ट कंट्रोल में जाएं और आप इसको डिजाइन करें बटन को, और इसके ऊपर जो नाम लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो राइट क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट एडिट कर दीजिए तो आसानी से लिख दे, ठीक है। और उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करें और आप यहां लिख दें यूजर फॉर्म वन डॉट शो, लेकिन ये वर्क कब करेगा जब यहां से डिजाइन मोड को डीएक्टिवेट करें। अब यहां से भी क्लिक करने पे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में जैसे कि फॉर्म कंट्रोल के ऑब्जेक्ट पे या किसी पिक्चर पे या किसी टैग्स पे अगर आप चाहते हैं तो आप मैक्रो बना के करें क्या, अदरवाइज आप डायरेक्ट असाइन कर सकते। दूसरा चीज हम मैं चाहता हूं डाटा, मैं चाहता हूं जस्ट माउस की यहां पे अगर मेरा कर्सर जाए तो कर्सर जाते ही मेरा फॉर्म ओपन होना चाहिए, मैं कहीं पे क्लिक नहीं करना चाहूंगा, मैं जस्ट माउस पॉइंटर यहां पे ले जाऊं तो मेरा फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। अब इसके लिए एक्सेल में कुछ ऐसा है नहीं और ना कोई वीवीए में है, लेकिन एक तो तरीका इससे हम कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक सलूशन है मेरे पास, तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन ओपन फॉर्म के नाम से, इसमें हम कुछ देते नहीं है और यहां पे लिखते हैं यूजर फॉर्म वन डॉट शो, ठीक है।
और फिर हम अपने एक्सेल सीट पे जाते हैं, यहां पे फॉर्मा लगाते हैं हाइपर लिंक का, लिंक लोकेशंस में ओपन फॉर्म यूएफ का हम फॉर्मूला देते हैं, और यहां जो आता है फ्रीक्वेंसी नेम में हम देखते हैं डेटा एंट्री। और यहां पे एरर आने के चांसेस हैं, तो डेटा एंट्री यहां देने की जरूरत नहीं है, एरर आने के चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे इसको हम इफ एरर में डाल देते हैं, इफ एरर, और इसके जगह पे हम दे देते हैं डेटा एंट्री। अब देखिए क्या होगा, जैसे इस पे मेरा माउस पॉइंटर जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या है, ओपन फॉर्म, हाँ ओपन फॉर्म, हमने गलत फॉर्म लगा दिया, यूएफ हो गया, ओपन फॉर्म, अब चल रहा है, और यहां पे लिखना है डेटा एंट्री, इसे एरर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे इस पे माउस पॉइंटर जाएगा फॉर्म बन जाएगा, समझ गया सर, कैसे हुआ पता चला। देखिए क्या है कि जब हम हाइपरलिंक का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको समझिए, हाइपरलिंक का जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें लिंक लोकेशन डालते हैं कि www.iptindia.com, ठीक है ना, जब ये डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जब इस पे माउस पॉइंटर जाता है मेरा, तो माउस पॉइंटर जाते ही यहाँ एक ओ जो है इसके अंदर जो एड्रेस बार को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए उसको प्रोसेस करता है। तो जब हम इसको यहाँ पे हमने कर्सर रखा, तो कर्सर रखते ही इसने क्या किया कि इसको एड्रेस पाने के लिए यूजर फॉर्म में वो जो आपका ओपन फॉर्म वाला जो ओएफ वाला जो फॉर्मूला है उसको प्रोसेस किया। अब उस फॉर्मूले में ऐसा कुछ तो था नहीं, लेकिन उस फॉर्मूले में था कि फॉर्म को ओपन करना, तो फॉर्म ओपन होने का कोड रन हुआ और आपका ये फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है सर। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, मैंने कल आपको एक फॉर्म भेजा था, कल आपका कोई फॉर्म नहीं आया सर, मेल डाला है मैंने, रात को ही आया है, आपने होमवर्क दिया था ना, एक बार उसका फॉर्म का जरा देखेंगे खोल के सर, रात में भेजा था आपने, हाँ जी, एक मिनट, सुबह सुबह चेक तो किया, कोई मेल था नहीं, अभी नहीं सर, रात ही भेजा था, क्लास स्टार्ट करते समय भी चेक किया था, कहाँ फॉर्म है, अच्छा हाँ विकास पंचायत जाए तो है, मुझे लगा कि 11 बजे में बैठ के विकास, हाँ बनाया तो ठीक है आपने, इसका डेटाबेस नहीं बनाया आपने, नहीं सर वही तो आपने कहा था कि इसका फॉर्म बनाना डिजाइन करना, डेटाबेस चाहिए, मैं इसमें आप क्या चाहते थे, दो चीज होती है, मैं बताया था कि एक चाहिए कि आपको फॉर्म से डेटा एक्सेल पे भेजना है, या दूसरा है कि एक्सेल से डेटा फॉर्म पे लाना चाहिए, हेलो, हाँ जी सर, आपको इसमें क्या चाहिए, इससे डेटा एक्सेल पे भेजना चाहते हैं, एक्सेल डेटा इस पे लाना चाहते हैं सर, फॉर्म से डेटा एक्सेल में भेजना चाहते हैं,
नहीं, इस फॉर्म से डेटा को एक्सेल में मिलना चाहते हैं। हाँ जी ओके, तो इसकी डेटाबेस बनाइए सर। एक इसका लिंकिंग कैसे करेंगे वो समझ नहीं आ रहा, मैंने बना तो लिया ये लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो बताया है आज की क्लास में, क्या बताया आप लेट ज्वाइन किए लग रहा है अभी, यही बता। हाँ जी हाँ जी, फॉर्म से डेटा एक्सेल में कैसे भेजेंगे अभी हमने यही बताया है, हमारी आज की क्लास में यही समझ गए। हाँ जी सर, लेकिन इसमें अगर मेरे को ऑटोमेशन में डेट ऑटोमेटिकली जब मैं इसको ओपन करूं हमेशा डेट सब मैंने बताया आज हमारी फॉर्म देखिए, हमने जो फॉर्म बताया है ये देखिए आपको ऑटोमेटिक डेट आ रहा है, ऑटोमेटिक नंबर आ रहा है। ओके तो आज की ये फाइल मैं देता हूँ और आज की रिकॉर्डिंग ऐसे यूट्यूब पे चली गई है तो आप वहां से देख सकते हो राइट। सेम तरीके से लिंक होगा ना सर सारे के सारे, फिर जो प्रोसेस है सब सेम तरीके से। और मैं चाहता हूं आप लोग रजनीकांत जी आप लोग भी एक फॉर्म बनाए और विकास जी अगले सैटरडे को आके इसी फॉर्म पे मैं वर्क करूंगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। एक इनवाइस की तरह हो गया है तो एक ही इनवाइस से डेटा सब कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं आज के जो दिया वही और आज की क्लास में बताया उसमें हमने कंडीशन नहीं बताया है, आपको इसमें कंडीशन लगाना है अभी और भेजना है मुझे। जैसे कि नेम ब्लैंक भी होना चाहिए, नेम सिटी अमाउंट ब्लैंक भी चाहिए, अमाउंट एक बिटवीन में होना चाहिए। ओके पर जब भी क्लिक करें तो मुझसे कंफर्मेशन मांगे, जब मैं कंफर्म करूँ तो फिर जाके वो सम सेव करे, ऐसी फीचर्स इसमें आपको ऐड कर। अमाउंट के अंदर में कोई भी टैक्स वैल्यू एंटर ना हो, जो भी एंटर हो नंबर ही एंटर हो, कोई टैक्स एंटर ना टैक्स एक्सेप्टेड ही करे, जैसे टैक्स डाले उसको मैं हटा दे। समझे रजनीकांत जी, विश्वराज जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, ये इस फॉर्म इस फाइल को मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, इस फाइल को आप लोग की तरह से बना के मुझे अभी भेजिए। ठीक है, और प्लीज भेजिए, कल भी आपको बोला था और आप लोगों ने कल सुन लिया और मुझे भेजा नहीं, सो सेंड मी नाउ। ओके ओके सर।